बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रभारी अमित शिवाजी के नेतृत्व में अंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में जन अधिकार पार्टी के जिला प्रभारी अमित शिवाजी ने बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के संवैधानिक संदेशों, उनके मूल्यों और दर्शन की जानकारी जन जन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको देखते हुए बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर जन अधिकार पार्टी के द्वारा प्रदेश के 75 जिलों में बाबा साहब जन संदेश यात्रा मोटरसाइकिल रैली के रूप में निकाली गई है। उन्होंने कहा, बाबा साहब गरीब मजदूर किसान नौजवान के उत्थान की बात करते हैं, जिसको देखते हुए यह रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर पार्टी के मंडल अध्यक्ष जयराम मौर्य, जिलाध्यक्ष राम प्रसाद कुशवाहा, आशीष कुमार कुशवाहा, रमेश मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के जिला प्रभारी अमित शिवाजी ने कहा, गाड़ी अपने जिम्मेदार आदमी हाथों में देगा, मोबाइल वोबाइल सब देखते रहेंगे। अमित शिवाजी, जिला प्रभारी गोरखपुर। देखिए, सबसे बड़े संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज 66वां परिनिर्वाण दिवस होने के अवसर पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देश पर 75 जिलों में और संपूर्ण यूपी में आज ये यात्रा निकाली गई है, जिसका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन संदेश यात्रा। वो यात्रा का उद्देश्य गरीब मजलूम किसान नौजवान मजदूरों के भलों के लिए, बाबा साहब बात करते थे महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, वही बाबू सिंह कुशवाहा जी उनके मिशन अधूरा, जो मिशन अधूरा छूट गया है उसको पूरा करने के लिए पूरे यूपी में ये जुलूस निकाले हैं। उसी कड़ी में गोरखपुर में हमारे समस्त कार्यकर्ता बाबा साहब अमर रहे निकाल रहे हैं जुलूस। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में हमारे सब साथी आए हुए हैं आज।